जी। ये तो तमिलनाडु है, यहाँ तो तमिल भाषा बोली जाती है। तमिल में तुम अर्थ बताओ। काटपाटी, बेलूर, ये नाम तो हिंदी में होते ही नहीं है। बोलो। शुद्ध भोजन मिलता नहीं। इसका अर्थ ये बाबा इस दुनिया में आते हैं, आते हैं ना, तो जिस तन में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा बाबा कहा जाता है ना, है? जिस दुनिया में आते हैं वो पतित दुनिया है या पावन दुनिया है? पतित दुनिया है। तो पतित दुनिया में सब पतित हैं या कोई पावन भी देवता भी है? तो पतितों के हाथ का भोजन मिलता है या पावन भोजन मिलता है? पतितों का ही मिलता है। वेद में भी, हद में भी। हाँ, जब तक हम आत्माएं परम धाम में हैं तब तक हम ज्ञान सागर हैं, ऐसे थोड़ी। परम धाम में ज्ञान रहता है, है? नहीं, वहां तो आत्मा बिंदु बन जाती है। जड़वत हो जाती है या चैतन्य है? जड़वत है। ज्ञान सागर तो इस दुनिया में कहा जाता है। जिस दुनिया में सागर भी है स्थूल में, तो पृथ्वी भी है, जल भी है, वायु भी है, आकाश भी है, पांच तत्वों की दुनिया है। तो उस दुनिया में भगवान बाप भी आते हैं तो ज्ञान सागर कहे जाते हैं। तो पूछा है क्या परमधाम में भी ज्ञान का सागर कहा जाता है? नहीं। और त्रिमूर्ति में विष्णु के चित्र के नीचे चार भुजाओं को राम, सीता और लक्ष्मी नारायण लिखा है। त्रिमूर्ति में विष्णु का चित्र है ना, उसके नीचे चार नाम दिए हुए हैं पुराने चित्र में, लक्ष्मी नारायण और राम सीता। लक्ष्मी नारायण और राम सीता। लक्ष्मी नारायण का नाम पहले और राम सीता का नाम बाद में। उनका नाम पहले क्यों? लक्ष्मी नारायण का नाम पहले क्यों? क्योंकि वो पास हो गए और राम सीता फेल हो गए। तो उनका नाम पहले है, फेलियर का नाम बाद में। तो राम
किसको कहा जाता है वो भी बता दिया, और कृष्ण किसको कहा जाता है वो भी बता दिया। कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, राम बाप को कहा जाता है। वो राम बेहद का बाप बनता है या हद का बाप है? बेहद मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो बाप बेहद मनुष्य सृष्टि का है तो अम्मा भी बेहद की होगी या हद की होगी? सारे जगत की होगी या दो चार बीस पचास बच्चों की माँ होगी? सारे जगत की अम्मा है। तो सारे जगत की माँ जगदम्बा है, वो ही सीता कही जाती है। कहते हैं सीता कहाँ से पैदा हुई? है धरती से, वो धरती का रूप ही है, तो धरती से पैदा हुआ दिखाते हैं। धरती को ही जगदम्बा कहते हैं। सारे जगत की माँ है धरणी। सारा जगत कहाँ से पैदा होता है? धरणी पर ही तो पैदा होता है, तो वो है जगदम्बा और वो है जगत पिता। फिर नारायण, नारायण को जगत पिता या जगन्नाथ कहेंगे? क्यों? नारायण को जगत पिता या जगन्नाथ क्यों नहीं कहेंगे? हैं? क्योंकि सारा जगत उस समय होता ही नहीं, श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं। जगत में तो श्रेष्ठ आत्माएं भी होती हैं और भ्रष्ट आत्माएं भी होती हैं। तो जो सीता है वो फेलियर है, वास्तव में वो ही जगदम्बा का नाम है। और जो फेल हुआ उनके साथ वो ही बाप है, जगत पिता कहा जाता है। बाकी लक्ष्मी नारायण को फेलियर नहीं कहेंगे, वो तो 16 कला संपूर्ण है, सर्वगुण संपन्न है, संपूर्ण है यादा पुरुषोत्तम। तो जो चार भुजाएं हैं उनमें एक है नारायण, अर्थात नर से क्या बना? नारायण बना। कौन से नर से नारायण बना? हैं? ब्रह्मा नर से नारायण बना या प्रजापिता नर से नारायण बना? हैं? ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, और प्रजापिता नर से नारायण बना। लेकिन एक बनता है संगम युग में नारायण और एक बनता है सतयुग में नारायण। तो वो नारायण कौन सा है जिसको सारी दुनिया मानती है संगम में, जिसे कहते हैं नारायण? नारायण नर से क्या बना? डायरेक्ट नारायण बना। इसलिए वो सारे जगत का पिता भी है और नारायण भी है। नारायण, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, जिसका घर कहाँ है? ज्ञान जल में ही जिसका घर है। तो विष्णु को कहाँ दिखाते हैं? क्षीर सागर में दिखाते हैं। चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ है, दूधिया जल है, शुद्ध जल है, और बीच में नारायण पड़े हुए हैं शीर्ष सैया पर। तो यादगार कहाँ की है? सतयुग में थोड़े ही सांप होंगे, कहाँ पर सांपों की बात है? इस दुनिया में संगम युग में जो भी हैं वो सर्प सर्पिणी हैं। उन सर्प सर्पिणियों के बीच में वो नारायण वाली आत्मा पार्ट बजाती है।
ज्ञान से भरपूर होने के कारण आराम से रहती है। नहीं तो सर्पों को कोई छू भी दे तो भी कितना डर पर डर जाता है, वो तो सर्पों के ऊपर क्या शैया ही बनाकर बैठे हुए, तो कितनी वंडरफुल बात हो जाती है। इसलिए विष्णु के चित्र में जो चार आत्माएं दिखाई गई हैं, उनमें एक है लक्ष्मी, जो सतयुग में भी लक्ष्मी बनती है और संगम युग में ही प्रवेश करके लक्ष्मी का टाइटल लेती है, वो कौन है? ओम राधे मम्मा। और एक है नारायण, जो सतयुग में भी नारायण बनता है और संगम में भी प्रवेश करके नारायण बनता है। डबल नारायण हो गए एक ही शरीर में, दो आत्माएं, उनको कहते हैं महानारायण, एक को कहते हैं महालक्ष्मी। जब दोनों ही लक्ष्मी मिलती हैं, तो महालक्ष्मी कही जाती है। तो ब्रह्मा के साथ सरस्वती और राम के साथ, शंकर के साथ पार्वती, ऐसे कहा जाता है ना। लेकिन वास्तव में दो हैं माता रूपी भुजाएं, एक ओम राधे मम्मा और एक जगदम्बा, दो भुजाएं ये हो गई और दो भुजाएं हो गई ब्रह्मा और न जो लक्ष्मी बनती है वो आत्मा, जो लक्ष्मी बनती है वो भी तो वैष्णवी देवी है, विष्णु का रूप है कि नहीं, वो भी विष्णु का रूप है। तो ये चार आत्माएं तो भुजाओं के रूप में हैं, बाकी इन चारों को चलाने वाली यज्ञ के आदि में भी कौन थी? जो राम वाली आत्मा थी वो उन चारों को चलाने वाली, माने बुद्धि रूपी नेत्र। तो बुद्धि रूपी आत्मा के द्वारा वो चारों आत्माएं चलाई जाती हैं, चलाने वाला है तभी तो भुजाएं चलती हैं, और चार भुजाएं। तो ये पांच ब्रह्मा के रूप हो गए। ऐसे ब्रह्मा चार ही हैं, लेकिन जो पांचवा है वो ब्रह्मा तो है लेकिन परम ब्रह्म है या छोटा मोटा ब्रह्म है? है परम ब्रह्म कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताई नमः, विष्णु देवताई नमः, शिव परमात्माई नमः, गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुरु देवो महेश्वर महाईश्वर। जब वो शिव प्रवेश करता है मुकरर रथ में तो उससे वह बड़ा कोई शासन करता है दुनिया में है? शासन परम धाम में किया जाता है या इस दुनिया में किया जाता है? इस दुनिया में किया, इस दुनिया में जब आता है तो मुकर रथ में प्रवेश करके महेश्वर बनता है, महाईश्वर। तो गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। क्या जो भी ब्रह्मा है, ब्रह्मा से क्या बनते हैं? विष्णु बनते हैं। नंबर वार उन विष्णु बनने वाले ब्रह्मा सो विष्णु में जो परम ब्रह्म है तस्मय श्री गुरु वे नमः, उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। तो साकार हुआ या निराकार हुआ? साकार हुआ। तो वो ही जिसको सारी दुनिया नमन करती है वो ही परम है। '63 में लड़ाई हुआ था, यह
हिंदुस्तान पाकिस्तान की 12 साल तक चालू रहा, ऐसे तो नहीं, ये तो गलत बात हो गई। वो कौन सी लड़ाई है जो 12 साल तक चालू रही 1963 के बाद? ऐसी तो लड़ाई हुई नहीं। दुर्गति को पाई हुई आत्मा सत्युग में भी नहीं जाएंगी, वो तो ठीक है, और मूल वतन में भी नहीं जाएंगी, ये तो गलत बात है। क्या मूल वतन में चाहे कोई भी आत्मा हो दुनिया की, चाहे दुर्गति पाने वाली हो और चाहे सदगति पाने वाली हो, दुर्गति और सदगति इस दुनिया की बात है या परम धाम की बात है? इस दुनिया में चाहे दुर्गति पाने वाली आत्मा हो, सदगति पाने वाली न हो, स्वर्ग में जाने वाली न हो, नरक में ही रहने वाली हो, जो गीता में लिखा है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जो मूर्ख आत्माएं होती हैं, ईश्वरीय ज्ञान को नहीं समझ पाती हैं, वो जन्म जन्मांतर ऐसी नरक की दुनिया में जन्म लेती रहती है। बार बार द्वापर कलयुग में आएंगी, द्वापर कलयुग में ही जन्म लेती रहेंगी, दुख भोग करके फिर वापस जावे। बाकी दुर्गति वाली में हो या सदगति वाली हो, परम धाम तो सभी को जाना है। हाँ, जो सदगति वाली आत्माएं होंगी वो परम धाम में ऊंची स्टेज में रहेंगी। क्या? और जो दुर्गति वाली आत्माएं होंगी वो नीची स्टेज में रहेंगी। ये अंतर होगा। एक पाँव इधर रखे, एक पाँव उधर रखे, माने सीधा नहीं था। ब्रह्मा बाबा, हाँ, उनकी आत्मा जब तक जीवित रही तब तक नरक की दुनिया में ही रही। क्या? ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है, तो कहाँ खत्म हो जाता है? नरक में खत्म हो जाता है या स्वर्ग में खत्म हो गया है? हाँ, नरक की सृष्टि में ब्रह्मा नाम समाप्त हो गया। फिर वही 100 वर्ष जो पूरे हुए तो पीपल के पत्ते पर 16 कला संपूर्ण कृष्ण फिर जन्म लेता है। सागर में बड़े आराम से बैठा हुआ अंगूठा चूस रहा है आत्मिक स्मृति का, तो जैसे स्वर्ग में। ये कॉन्सेशन की बात है। ब्रह्मा को दादा लेखराज को 100 साल कब पूरे हुए है? 87 में, जब 1 साल आना बंद कर दिया था, पूरी 1 साल ब्रह्मा बाबा आए ही नहीं। वो 1 साल उन्होंने सारी ताकत एडवांस में लगा दी। तो 100 साल उनके पूरे हुए, इसलिए मुरली में बोला है ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। तो मृत्युलोक उसका खलास हुआ, फिर कौन सा लोक शुरू होगा? आत्मा तो अजर अमर है, कहां गई? अमर लोक में गई। इसलिए शास्त्रों में पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में बड़े आराम से लेटी हुई दिखाई गई, सागर में पड़ी हुई है। संसार सागर है, विषय सागर है, विषय सागर के बीच में भी वो आत्मा बड़े आराम से पड़ी हुई है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे नहीं गर्भ जेल है, नहीं, गर्भ महल में पड़ी हुई है, पीपल की पत्ते की नैया है, माने बहुत हल्की फुल्की नवैया पे बैठी हुई है। नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, ये निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि विजय की, तो विजय की स्टेज में है या हार की स्टेज में है?
है विजय की स्टेज में। और है क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो आपने देखा होगा कभी हंसता है कभी रोता है, तो पूर्व जन्म की स्मृति में जाता है इसलिए रोता है हंसता है, या सामने की चीज को देख करके रोता हंसता है? पूर्व जन्म की स्मृति में जाता है। तो वो बच्चा भी जब तक बच्चा बुद्धि है शैशवावस्था है तब तक वो पूर्व जन्म की स्मृति में जा रहा है। बच्चा बुद्धि खलास होगी सालिम बुद्धि बनेगी सगीर बुद्धि बनेगी और वो आत्मा की बुद्धि में बैठ जाएगा। गीता का भगवान मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूँ, गीता का भगवान तो शिव शंकर भोलेनाथ, तो सालिम बुद्धि बन जाएगा। ये अंतर है। और दीपावली का विशेष क्या है? दीप माने दीपक और अवली माने कतार रो लाइन, एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लाइन लगी हुई है दीपकों की। दीपावली का मतलब है एक धर्मराज का दीपक पहले जलता है और उस दीपक से संघ का रंग लेकर के दूसरा दीपक जला, फिर उससे संघ का रंग लेके तीसरा दीपक जला, उससे संघ का रंग लेके तीसरा, चौथा पांचवा छठा सातवा, लाइन लग जाती है दीपकों की, उसको कहते हैं दीपावली। अभी दीपकों की लाइन लगी है, दीपक जले हैं, दीपक जले हैं या बुझे हुए हैं या जलते बुझते रहते हैं? अभी आत्मा रूपी दीपक सबके जगे हुए हैं या जगते बुझते रहते हैं? मनन चिंतन मंथन ज्ञान का सदैव चलता है या दुनियावी बातों का मंथन भी चलता रहता है? क्या होता है? दुनियावी बातों का भी मंथन चलता रहता है। तो जैसे आत्मा सो जाती है अज्ञान निद्रा में, जब सबके दीपक जग जाएंगे दुनिया का मनन चिंतन मंथन ही बंद हो जाएगा, पक्का बुद्धि में बैठ जाए ये दुनिया तो मरी की मरी, गई की गई, नष्ट मोह स्मृति लब्धा हो जाएंगे, आत्मा की आत्मा के बाप की परमानेंट स्मृति जब हो जाएगी तब कहेंगे दीपक जग गए। तो नंबर बार जगेंगे, लाइन से जगेंगे, रो से जगेंगे, ये इकट्ठे जग जाएंगे हैं? लाइन से जगेंगे, एक के बाद एक जगेंगे, उसको कहते हैं दीप अवली। अवली माने लाइन, रो कतार। और बिल्कुल पीपल का पत्ता कौन है? कैसे रुद्रमाला है ना, रुद्रमाला है ना, तो रुद्रमाला में आखिरी मण का कौन सा है? हैं? जगदम्बा। जो आखिरी मण का है वो सबसे पावरफुल होगा या कमजोर होगा? 108 के मुकाबले कमजोर है, थोड़ा सा हवा का झोंका लगता है, थोड़ा सा माया का झोंका लगता है, थोड़ा सा बवंडर आता है और पीपल का पत्ता जोर से हिलने लगता है, और पत्ते नहीं इतने हिलते लेकिन पीपल का पत्ता, थोड़ी भी हवा लगेगी माया का झोंका लगेगा पीपल का पत्ता हिलेगा, और इतनी जोर से हिलता है फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़,
कि देखने वालों को लगता है कि अब ये सागर में पड़ा हुआ पत्ता अब डूबा कि डूबा, इसको कोई बचा नहीं सकता, इसको दुनिया का संग का रंग लगेगा ये डूब जाएगा, अब नहीं बचेगा। लेकिन इसको कौन सी आत्मा विराजमान है? कृष्ण की भाग्यशाली आत्मा विराजमान। इसलिए नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ब्रह्मा मेरा सिकिलदा बच्चा है। क्या, किसने कहा? शिव बाबा ने कहा, बिंदी बन के कहा या साकार मुख से कहा? उस साकार मुखधारी शिव बाबा है ना, जिसने कहा ब्रह्मा मेरा सिकिलदा बच्चा है। 500 करोड़ जो भी पत्ते हैं उनमें सबसे सिकिलदा कौन सा है? पहला पत्ता है ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की आत्मा। तो वो कृष्ण की आत्मा इतनी भाग्यशाली आत्मा है जो सृष्टि का पहला पत्ता है, उस पहले पत्ते में शिव बाबा प्रवेश करके जगदम्बा का पार्ट बजाते हैं। वास्तव में जगदम्बा तो डब्बा है, शरीर रूपी डब्बा है जगदम्बा, और प्रवेश करने वाली आत्मा है ब्रह्मा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण आत्मा उसमें प्रवेश है पीपल के पत्ते में, इसलिए नहीं डूब सकती। साढ़े चार लाख जो बच्चे हैं, बच्चे के रूप में जन्म लेने वाले, उनमें पहला बच्चा कौन है? कृष्ण बच्चा। तो कृष्ण बच्चे का जन्म सतयुग में होगा या संगम में होगा? कृष्ण बच्चा साकार रूप में सतयुग में जन्म होगा, उसके बाद फिर साढ़े चार लाख और जन्म लेंगे। नंबर वार जन्म लेंगे कि एक साथ जन्म लेंगे? नंबर वार जन्म लेंगे। वो नंबर वार जो जन्म लेने वाले साढ़े चार लाख बच्चे हैं, साढ़े चार लाख माता पिता से जन्म लेंगे, वो सतयुग के पहले जन्म के अंत तक जन्म लेते रहेंगे या शुरुआत में ही जन्म ले लेंगे? अंत तक जन्म लेते। 150 वर्ष एवरेज एज है ना, तो 150 वर्ष तक 9 लाख जनसंख्या पूरी होगी सतयुग के पहले जन्म में। ऐसे नहीं शुरुआत में ही 9 लाख हो जाएंगे। और बिल्कुल, जो ब्रह्मा को फॉलो करते हैं पक्का पक्का, कच्चा कच्चा नहीं, कच्चे फॉलो करने वाले भी हैं, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जो ब्रह्मा को पक्का पक्का फॉलो करते हैं, क्या पक्का पक्का फॉलो करने वाली आत्माएं, वो 13 जन्म लेंगी त्रेता में। सतयुग में 8 जन्म और त्रेता में 13 जन्म। और जैसे मम्मा है, ओम राधे मम्मा, किसको पक्का पक्का फॉलो किया है? ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया। लक्ष्मी है, लक्ष्मी किसको फॉलो करती है? हैं? नहीं, वो तो ब्रह्मा को छोड़ देगी। हाँ, वो तो नर से नारायण ही बन जाएगी, नारी से लक्ष्मी बन जाएगी, तो नारायण को फॉलो करेगी ना, तो उसकी बात नहीं है। क्या, जो आत्माएं ब्रह्मा को फॉलो करके शरीर छोड़ रही हैं, उन शरीर छोड़ने वालों में भी अलग अलग धर्मों की भी है,
लेकिन जो पक्का ब्रह्मा को फॉलो करने वाली है उनका ग्रुप अलग है। ये जो भूत प्रेत बनते हैं ना सूक्ष्म शरीरधारी, ये एक ग्रुप के नहीं होते हैं, ये अलग अलग ग्रुप हैं इनके। अभी कुमार का दादी का अलग ग्रुप हो गया, ब्रह्मा जैसी आत्माओं का अलग ग्रुप हो गया, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा होगी तो उसका अलग ग्रुप है। ऐसे सब धर्मों के अलग अलग ग्रुप हो जाते हैं जो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। माया संकल्प छोड़ेगी माया। हाँ क्या संकल्प माया संकल्प छोड़ते नहीं और पकड़ते हैं? माया शंकर को पकड़ती है, शंकर को नहीं पकड़ती है। शंकर में तो संकरण है, शिव बाबा का भी है तो ब्रह्मा का भी है तो राम वाली आत्मा का, बच्चों को पकड़ती है। माया किसको पकड़ती है, है? बच्चों को पकड़ती है या बाप को पकड़ती है? हाँ माया बाप से खुद मिलकर के रहना चाहती है, दूसरे बच्चों को नहीं मिलने देना चाहती। तुम हटो, तुम क्यों मिलते हो, मैं मिलूंगी। लेकिन ज्ञान नहीं लेना चाहती, मिलना चाहती है लेकिन ज्ञान नहीं लेना चाहती। न ज्ञान लेती है न दूसरों को, न दूसरों को लेने देती है। ये विघ्न की दीवार बन के खड़ी हो जाती है। मुसलमान किसके सामने पूजा करते हैं, दीवार खड़ी कर देते हैं उसकी पूजा करते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारों में भी ऐसी हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं अभी तक भी? कुमार का दादी ने जिस दिन शरीर छोड़ा होगा तो उनको कुमार का दादी का आवाहन करेंगे, वो उनकी याद करेंगे। इसे एडवांस ज्ञान के रास्ते में सबसे बड़ा विघ्न किसने पैदा कर दिया है? उसका नाम पड़ गया मिस जिद्द। जिद्द पकड़ गई कि मैं न ज्ञान उठाऊंगी न दूसरों को उठाने दूंगी, न बाप की पूरी पहचान करूंगी न दूसरों को पहचानने दूंगी। और साढ़े चार लाख आत्माएं, साढ़े चार लाख आत्माएं जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाली हैं, वो त्रेता युग में 13 जन्म नहीं लेंगी। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों को जन्म देना है उन बच्चों के मुकाबले ज्यादा योग बल की पावर उनमें है या कम योग बल की पावर है? हैं? ज्यादा योग बल की पावर है। जिनमें योग बल की पावर ज्यादा होती है वो लंबी आयु वाले होते हैं या छोटी आयु वाले होते हैं? तो सतयुग में ही उनकी लंबी आयु हो जाएगी। इसलिए त्रेता युग में उनको 13 जन्म लेने की दरकार नहीं, और उनका पहला जन्म तो संगम में ही हो जाता है। तो पहला जन्म संगम का, सतयुग के 8 जन्म टोटल कितने हो गए हैं? 9 जन्म हो गए। सतयुग पूरा होते होते 9 जन्म यहाँ हो गए तो वहां 13 जन्म क्यों लेंगे, 22 जन्म थोड़े ही लेंगे कोई। हो गए ना टैली, उधर 9 और 12 21 जन्म हो गए, टैली हो गए ना। और हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना ब्राह्मण धर्म की, नौ कुरियों के ब्राह्मण तैयार हो गए।
एक कुरी के ब्राह्मण तैयार नहीं हुए, कितनी कुरियों के ब्राह्मण बन गए? 9 कुरियों के ब्राह्मण बन गए। 9 ब्राह्मणों की कुरियां एक समान है या ऊपर नीचे है? ऊपर नीचे है। कोई कम पुरुषार्थी, कोई ज्यादा पुरुषार्थी। जो कम पुरुषार्थी हैं, वो आत्मिक स्टेज नहीं धारण कर सकेंगे इस जन्म में, तो सतयुग त्रेता में कम जन्म लेंगे। जो कम पुरुषार्थी ब्राह्मण हैं, वो सतयुग त्रेता में कम जन्म लेंगे, तो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि नीची कुरी के ब्राह्मण हैं। तो जो ऊंची कुरी के ब्राह्मण बनते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं, वो सतयुग त्रेता में पूरे 84 जन्म लेंगे, 21 जन्म लेंगे, पूरे कल्प में 84 जन्म लेंगे। देवताएं लेते ही हैं 84 जन्म, देवताएं कहा ही उनको जाता है जिनके 84 जन्म होते हैं। स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो भयाव, अपने धर्म में मर जाना अच्छा, दूसरे के धर्म में कन्वर्ट होना बहुत भयंकर है, बहुत दुखदाई है। तो जो कच्चे पुरुषार्थी ब्राह्मण होते हैं, नीची कुरी के ब्राह्मण होते हैं, वो और धर्मों में कन्वर्ट होते रहेंगे और वहां दास दासी बनते रहे, दुखी होते रहे। दास दासी बनना अच्छा या राजा बनना अच्छा? यज्ञ आदि की बात क्या है? ब्रह्मा द्वारा 68 तक ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती रही, सभी धर्मों के ब्राह्मण पैदा होते रहे, सभी धर्मों में कन्वर्ट होने वाले यहां आकर के ब्राह्मण बन जाते हैं संगम युग में। जैसे द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए थे, कलयुग अंत तक कन्वर्ट होते गए, ऐसे ही वही कन्वर्ट होने वाली आत्माएं संगम युग में फिर कन्वर्ट होकर के क्या बन जाती हैं? कच्ची कुरी के ब्राह्मण बन जाते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव, हाँ, गुरु दसवें नहीं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, हाँ, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। सदगुरु का पार्ट पहले है या बाद में? बाद में है। तो साक्षात का मतलब है साकार में, हाँ, साक्षात माने साकार में। तस्मय माने उसको, संस्कृत का शब्द है तस्मय, तस्मय माने उसको, किसको? जो साक्षात परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म, साधारण ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, लेकिन वो साधारण ब्रह्म है, लेकिन उनमें एक परम ब्रह्म है। कौन परम ब्रह्म? कौन सा ब्रह्म है? प्रजापिता ब्रह्मा परम ब्रह्म है, उसको नमः। वो साक्षात सदगुरु बनता है लास्ट में। चार कला, कोई अलग कलाएं नहीं,
चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं? क्या क्या चंद्रमा की 16 कलाएं क्या क्या? अलग अलग कलाएं नहीं होती हैं कि नाचने की कला, कि गीत गाने की कला, कि चित्रकारी की कला, कि कलाकारी की कला, नहीं। कला का मतलब है आत्मा की शक्ति। चंद्रमा में रोशनी होती है ना, तो एक मेजरमेंट है ये कला। चंद्रमा जब संपूर्ण रोशनी देता है तो कहते हैं 16 कला संपूर्ण। ऐसे ही आत्मा की जब पूरी रोशनी हो जाती है भरपूर, तो 16 कला संपूर्ण। और कलयुग के अंत में आत्मा की रोशनी खत्म हो गई, उजियानी हो गई, कहते हैं कलाहीन। अलग अलग कलाएं नहीं है कोई। आत्मा की शक्ति का नाम है, मेजरमेंट का नाम है कला। भूमि के सिवा, धरती के सिवा प्यार ग्रहण, इसके लिए कौन? आप अपनी भाषा में बोल दीजिए। अच्छा, ग्रह है जो नवग्रह माने जाते हैं, उन ग्रहों में जीवात्माएं होती हैं या नहीं होती हैं? जीवात्मा का कनेक्शन सूर्य से है। क्या? जहां सूर्य की उचित रोशनी पहुंचती है वहीं जीवन होता है, वहीं जीवात्माएं होती हैं। जहां सूर्य की उचित रोशनी नहीं पहुंचती है वहां जीवन भी नहीं और जीवात्माएं भी नहीं। जैसे पृथ्वी है गोल, गोल पृथ्वी पर सूर्य चमकता है, तो जहां सीधी किरणें पड़ती हैं वहां जीवन है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां तिरछी किरणें हो गई तो सूरज दूर हो गया या नजदीक हुआ? दूर हो गया, तो वहां ठंडी ज्यादा पड़ेगी या कम पड़ेगी? ठंडी ज्यादा पड़ेगी, इसलिए वहां बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। बर्फ में अगर किसी को दाब दिया जाए तो जिंदा रहेगा या मरा हुआ जैसा रहेगा? मरा हुआ जैसा हो जाता, तो वहां कोई प्राणी नहीं हो सकता। तो सूर्य से पृथ्वी के ऊपर ही थोड़ी सी दूरी बढ़ गई, तिरछी किरणें हो गई, तो वहां कोई जीवन नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है। तो और ग्रह तो कितने कितने दूर हैं, कितने कितने सूर्य के नजदीक हैं, वहां जीवन कैसे हो सकता है? कोई ग्रह उपग्रह पर जीवन नहीं है, आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता है। क्या? मर जाता है। वो ग्रह है जड़ और यहां है ये चैतन्य। क्या? सूर्य के ऊपर भी कोई जिंदा नहीं रह सकता। जिंदा रह सकता है? नहीं। क्यों नहीं जिंदा रह सकता है? बहुत आग उगलता है, गर्मी बहुत है। यहाँ सूर्य का पार्टी किसका है? हैं? शंकर। शंकर का भुजा के रूप में सहयोगी नजदीकी कोई सदैव दिखाया जाता है? हैं? नहीं दिखाया जाता। ब्रह्मा की?
ब्रह्मा की हजार भुजाएं होती हैं। ब्रह्मा को कोई सहयोग करेगा तो नजदीक रह के सहयोग करेगा या दूर रह के करेगा? है, नजदीक रह के सहयोग कर सकता है, लेकिन सूर्य को कोई सहयोग नहीं दे सकता, वो इतना गर्म है उसका साथ ही कोई नहीं दे सकता लगातार। हाँ, जितनी जितनी ताकत होगी आत्मा में, जितनी जिसके गर्मी भरी हुई होगी उतना ही साथ दे पाएगा, उससे ज्यादा साथ नहीं दे पाएगा। सूर्यवंशी आत्माएं होंगी तो थोड़ा ज्यादा साथ देंगी और आत्माओं के साथ मुकाबले। और बाबा, धर्म पिता बीज खींचते हैं, बीज धर्म पिता खींचते हैं। पिता माने बीज, पिता माने ही बीज, चाहे वो धर्म पिताएं हों, चाहे वो लौकिक पिताएं हों, चाहे वो पारलौकिक पिता हो या बेहद का पिता हो। पिता बाप को कहा जाता है, बाप को बीज कहा जाता है, माँ को धरणी कहा जाता है, धरणी में बाप बीज बोता है तब बच्चा पैदा होता है। और नीचे दो ब्रांच जड़ों में, जड़ों में दो ग्रुप हैं, एक भारतीय एक विदेशी। भारतीय जड़े हैं बौद्धी, सन्यासी, सिख और आर्य समाज, और विदेशी जड़े हैं इस्लामी, क्रिश्चियन, मुस्लिम और नास्तिक। और ओम शांति।